Students, this is Ajitpal Singh from Apollo Academy Sangrur. So student, yesterday we have a test of cell, the basic unit of life. So now we will discuss about the answers of the MCQs which I have planned for you in the test. So the first PDF is, so the mitochondria are found in, option number D is the right answer, in eukaryotic cell, because they are not found in prokaryotes, so not in all the living cells. ठीक है बेटा, एनिमल ते प्लांट सेल ने जिन्हें उन्होंने आप यूकैरियोट्स ही कहने आता करके आंसर नंबर डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, बेटा रॉबर्ट हुक, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इन टू क्रिस्टल, क्वेश्चन नंबर थ्री, सो वायरस कैन बी मेड इन टू क्रिस्टल्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बैक्टीरियम की होंगे लिविंग होंगे, अमीबा भी लिविंग होंगे, स्पर्म भी लिविंग होंगे, एक नॉन लिविंग ते लिविंग दे विच लिंक आ जिहड़ा ओह वायरस होंगे, जिहड़ा अपने अपने तो बाहर की होंगे ह्यूमन बॉडी तो बाहर वह नॉन लिविंग होंगे, तो वायरस इज द राइट आंसर. हु डज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम फॉर द लिविंग सैल, बेटा प्रकंजे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैल वॉल इज सैलुलोज, ऑप्शन नंबर बी. फंक्शन ऑफ सेंट्रीओल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन नंबर ए. सेंट्रीओल बेटा थोड़ू एज इट इज कोई ज़्यादा डिवेल उच नहीं है, ठीक है, थोड़े सिलेबस है नहीं सेंट्रीओल, ये न्यूक्लीयस के अगे ये मतलब बिच होंदा है सैल दे ना, ये की करता जदों डिवीजन होनी होंगी, सैल डिवीजन होनी होंगी, माइटोसिस होनी होंगी, तो उदों ये ना दो पोल्स बना लैंदा गा सैल दे, सैल दे विच, तां कि स्पिंडल शेप बन जाए, अपने अपेंडेजिज ने जिहड़े क्रोमोसोम दे स्पिंडल शेप अपेंडेज बन जाण, एक बहुत लंबा प्रोसैस आ, प्लस वन दे विच तुसीं जाके डिस्कस करोगे जे तुसीं मैडिकल लई. बेटा फंक्शन ऑफ सेंट्रीओल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन नंबर ए. विच ऑर्गेनेल इज पावर हाउस ऑफ सैल, बी, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीनस, हिस्टोन प्रोटीन होंदे ने बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. विच ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड एज सुसाइडल बैग, बेटा ऑप्शन नंबर सी लाइजोसोम्स. प्लास्टिड विच आर रिस्पोंसिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्रूट्स, इतने बेटा क्रोमोप्लास्ट इज द राइट आंसर. क्लोरोप्लास्ट तुम्हें पता की करते हैं, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन करवाते हैं. ल्यूकोप्लास्ट की करते हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट आर द स्टोरेज प्लास्टिड्स होंगे ने, ते प्रोटोप्लास्ट कोई होंगे ही नहीं गा. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ने जिहड़े क्रोम का मतलब कलर होंगे बेटा, तो क्रोमोप्लास्ट फ्रूट के फ्लावर को कलर देंगे ने. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन ओनियन सैल बट नॉट इन ह्यूमन चीक सैल, हाँ जी, ओनियन इज अ प्लांट, तो प्लांट सैल के सैल वॉल होंगी है जी, की एनिमल सैल नहीं होंगी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सैल वॉल. विच सैल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजनस पॉइजनस एंड ड्रग्स, द आंसर नंबर सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर. ये आप पढ़िया भी होया. ठीक है बेटा, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पी डी एफ ऑफ योर टेस्ट. यस स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पी डी एफ एंड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक. द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल दैट कंटेन द जेनेटिक मटीरियल इज, what is that, nucleus, option number c is the right answer, nucleus. Protoplasm found inside the nucleus is known as, protoplasm inside the nucleus is known as nucleoplasm, option number b is the right answer. Which of the following statement are true about endoplasmic reticulum? A is smooth endoplasmic reticulum makes lipids, this is right. It is also called the control center, this is not right. It process carbohydrates, yes it is right. It modify chemical that are toxic to the cell, this is also correct. So option number in this question, option number C is the right answer, not C but in which A, C and D, A, C and D. So it also called the control center, which is not correct. It possesses carbohydrate, this is not right. So the right answer is, this is also right. So the right answer is A, C and D. Option number B is the right answer. Sorry to getting confused. Option number B is the right answer. Now, prokaryotic genetic system has. Kee hunda beta prokaryote de genetic system de vich DNA but no histone. बोथ डी एन एंड हिस्टोन नहीं होंगे, प्रोकैरियोट्स के हिस्टोन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें क्रोमोसोम नहीं होंगे, इन्हों का जो जेनेटिक मटीरियल होंगे डी एन ए एज इट इज़ पिया होंगे गा, रेंडमली पिया होंगे. नीदर डी एन ए नॉर हिस्टोन, यह भी गलत हो गया, ईदर डी एन ऑर हिस्टोन, यह भी गलत. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव का.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स दे लई किहड़ी चीज़ ट्रू का बेटा, तां इहदा आंसर हैगा ए, ए बी एंड सी। इहदे विच जिहड़ा डी ऑप्शन आ, दे हैव केमिकली कंप्लेक्स सैल वॉल, ये जरूरी नहीं हुंदा, ठीक है, इकल्ले प्लांट्स दे विच हुंदी आ, अदरवाइज ये किसी एनीमल दे विच नहीं हुंदे, बिकॉज एनीमल भी यूकेरियोट्स ने, तां करके दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, डी इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। सो द राइट आंसर इज ए, ए बी एंड सी आर राइट। जीनोफोर न्यूक्लियोइड्स कंसिस्ट ऑफ, बेटा न्यूक्लियोइड्स दे विच की हुंदा, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुंदा गा, नाल कुछ आरएनए भी हुंदा, बट वो इन्हें नहीं दिता, तां अलग गल आ, ठीक है, हिस्टोन एंड आरएनए नहीं, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए, उन्हें कहना चाहिदा सी, उन्हूं वो चीज़ हुंदी आ। तां ये भी थोड़े बुक दे स्कोप तो बाहर आ, क्योंकि न्यूक्लियोइड नूं आपां बहुत चंगी तरह नाल डिस्कस नहीं करते इस क्लास दे विच, जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे प्लस वन दे विच डिस्कस करोगे तुसीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनली दैट आर नो लोंगर यूजफुल टू सेल, दैट इज लाइसोसोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकेटेड इन नैरो एरिया ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सैल वॉल, सैल वॉल दे विच हुंदा बेटा ये। सैल सैप इज नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वट इज़ प्रोकरियोट सैल लैक, प्रोकरियोट सैल दे विच की नहीं हुंदा बेटा, प्रोकरियोट सैल दे विच मैंबरेन बाउंड सैल न्यूक्लियस नहीं हुंदा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मैंबरेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी न्यूक्लियर मैंबरेन नहीं हुंदी ते माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुंदा, बैक्टीरिया सैल दे विच नहीं हुंदा, ठीक है, ना माइटोकॉन्ड्रिया हुंदा ना न्यूक्लियर मैंबरेन हुंदी आ। फिर तुसीं कहोगे सर बैक्टीरिया सैल एनर्जी कित्थों लैंदे ने, बेटा वो मीजोसोम्स हुंदे ने, उन्हां तों एनर्जी मतलब वो रिस्पायर करदे ने, ठीक है। तां लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर सीन इन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम मियोटिक प्रोफेज दे विच देखण नूं मिलदा, ये बेटा मियोसिस ते माइटोसिस ये दो प्रोसैस हुंदियां ने सैल नूं डिवाइड करन वालियां, ठीक है, सैल डिवीजन वालियां। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਲੈਂਪਬ੍ਰਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਰ ਸੀਨ ਇਨ ਮਿਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇੱਕ ਨਾ ਲੈਂਪਬ੍ਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਂਡੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਓਲ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਵੀ ਹੋਊ, ਗੋਲਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋਊ, ਪਰੋਕਸੀਸੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰੋਕਸੀਸੋਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੋਕਸੀਸੋਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਂਡੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਰੋਕਸੀਸੋਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। एनिमल सैल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सैल एज इट पोजेसिज, एनिमल सैल की पोजेस करता, प्लांट सैल प्लास्टिड प्लांट सैल होंगे ने, गोल्जी बॉडीज भी होंगे प्लांट सैल के, वैक्यूल भी होंगे प्लांट सैल के, बट प्लांट सैल के सेंट्रोसोम नहीं होंगे, तो सेंट्रोसोम दिस इज हाउ एनिमल सैल डिफर फ्रॉम प्लांट सैल, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज द सैकेंड एंड नाउ वी मूव टू द थर्ड पी डी एफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड पी डी एफ। हू डिसकवर द न्यूक्लियस ऑफ सैल, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following are the main constituent of cell wall, cellulose, option number A. Who coined the term protoplasm, again aa raha beta Purkinje, option number C. Which of the following is called powerhouse of cell, option number C mitochondria. Which of the following is called kitchen house of the cell, ere vich beta inna ne option nahi ditti hai, question galat hai raha, matlab utthe answer ki auna ga, ki hunda plastid, theek hai ji, chloroplast hunde ne utthe, ohnu kitchen house of the cell kehne aapan, theek hai। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਔਰਗੈਨਲੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈੱਲ ਔਰਗੈਨਲੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੂਸਾਈਡਲ ਬੈਗ, ਲਾਈਜੋਸੋਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੂਸਾਈਡਲ ਬੈਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਰੂਟ ਹੇਅਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ ਥਰੂ ਓਸਮੋਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਸਮੋਸਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਓਸਮੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ ਕਾਲਡ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਓਲਜ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੈਕਿਓਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਔਰਗੈਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਗੈਨਲੀ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ,
ऑप्शन नंबर बी बोथ वाटर ओनली एंड वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज द राइट आंसर। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी बेटा, ऑप्शन नंबर डी श्लेडन एंड श्वान। वी जनरली माउंट द मटीरियल इन स्लाइड इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्विंग द फॉर्मिंग ऑफ कंप्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर कॉल्ड गोल्जी अपरेटस बेटा, गोल्जी अपरेटर कंपलैक्स शुगर बनाते हैं सिंपल शुगर तो, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑर्गेनेली एसोसिएट विद द राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ठीक है बेटा न्यूक्लियोलस हुंदा राइबोसोम बनाउंदा गा। वट इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन सिंपल थोड़ा पता ही है कि मैं बार बार रिसाइट नहीं करूँगा। वट इज़ अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये भी थोड़ा पता ही है कि हुंदा, ठीक है, जिहदे विच सैल सैप तो या फिर सैल साइटोप्लाजम तो ज़्यादा मतलब की होवे थोड़े कोल। हाइपरटोनिक की हो गया, हाइपरटोनिक तो हो गया जिहदी कंसनट्रेशन थोड़े सैल सैप जां उह तो ज़्यादा होवे, हाइपोटोनिक की हो गया जिहदी कंसनट्रेशन सैल सैप जां सैल प्रोटोप्लाजम तो घट होवे बेटा। वट इज़ द कैमिकल कंपोजिशन ऑफ सैल वॉल इन प्लांट्स एंड फंजाई बेटा, सैल वॉल दे विच ता हुंदा सैलूलोज, प्लांट दे विच सैलूलोज हुंदा, फंजाई दे विच चिटिन नाम दा एक कैमिकल हुंदा, ठीक है। तां डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन दा थानू पता द रैंडम मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टेस्ट पेपर, वी डिफाइन न्यूक्लियस इन एब्सेंस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन नंबर ए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग बेटा, ये कला थोड़े को सैल वॉल नहीं लिविंग हैगी, बाकी सारे लिविंग ने, सो ऑप्शन नंबर ए ए सी एंड डी आर करैक्ट, ठीक है बेटा। तो सैकेंड का यह आंसर है, स्टेटमेंट ए की है, कहना द सक्रीटेड प्रोटीन एंड पैक्ड इन साइड द सेक्रीटरी वैसीकल विच आर पिंचड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर, स्टेटमेंट ए ठीक है पुत। स्टेटमेंट बी की है, ई आर इज एबसेंट इन द आर बी सी ऑफ द मैमल, ये भी ठीक है बेटा, दोनों ही ठीक ने, सो ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। विच ऑफ द ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सैल, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आल सैल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सैल, ठीक है, ये किने कहा बेटा, वर्चू ने ऐड किया, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑर्गेनेली अदर दैन न्यूक्लीअस कंटेन डी एन ए, हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये दोनों ही नेगे जेडे यूकेरियोट दे विच डी एन ए कंटेन करते हैं। नेम टू वराइटीज़ ऑफ इंडियन फिशेज बेटा, होंदियां बासा हो गई, मल्ली हो गई, ठीक है, संघाड़ा, ये इंडियन फिशेज नेगियां। ये वैसे यदा कोई थोड़ा ये लैन देन नहीं सी इस चैप्टर नाल, ये थोनू शायद ना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस शायद आ जाए वो होंदा, ये तो ये कोई लैन देन नहीं चैप्टर नाल। विच ऑर्गेनली सर्व एज द चैनल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू मटीरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, हाँ जी ई आर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है ये काम। नेम टू सैल ऑर्गेनली विच कंटेन देयर ओन जनैटिक मटीरियल, ओबियसली अपने दसिया गया किड़ियाँ सैल ऑर्गेनलीज ने गियाँ, अपार्ट फ्रॉम एक तो न्यूक्लीअस ही होगी, एक की होगी थोड़े को प्लास्टिड हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिन्हों का आपका जनैटिक मटीरियल है, न्यूक्लीअस का चलो सैल का ही हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का राइट आंसर। वाई वायरस आर एक्सैप्शन टू सैल थ्यूरी, बिकॉज वायरस इज की ने, दे आर लिविंग कैमिकल, दे आर लिविंग आउटसाइड, दे आर लिविंग इन साइड अवर बॉडी बट दे आर डैड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, सो दे आर एक्सैप्शन टू सैल थ्यूरी। तो बेटा ये ही थोड़ा जो इस चैप्टर का रिविजन टैसट हो गए, सारे एम सी क्यू टैसट हो गए, सबजैक्टिव टैसट हो गए, ये चैप्टर के थोड़े प्रॉपर टैसट हो चुके हैं, तो पूरे हो चुके हैं। इस तरह ही कमिस्ट्री का काम पूरा हो चुका बेटा, ना आप हूँ जो फिजिक्स का टैसट रखना एक या दो तरीक न रखते हैं अपना, तो उस तो बाद आप चैप्टर बिल्कुल नहीं टच करा, तो जोड़ा थोड़ा वो चैप्टर थोड़ा जहा पेंडिंग पिया गया उन्होंने कंप्लीट करके नैक्सट वी विल मूव टू द चैप्टर सैकेंड चैप्टर ऑफ अवर फिजिक्स, ठीक है बेटा, उन्होंने मूव करा तो वह प्रॉपर तौर पर डिस्कस करा। इस तो बाद रिविजन आपदे बेस से कर सकते हो, मेरे वालों बेटा ये चीज़ प्रॉपर तरीके पूरी हो चुकी है। थैंक यू बेटा।